जय गणेश। मैं हूं नरेश एस्ट्रोलॉजर और आज का ये वीडियो है वृषभ राशि के लिए फरवरी 2017 कैसा रहेगा उसके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे आपके राशि के अधिपति ग्रह शुक्र ग्रह के बारे में। तो शुक्र ग्रह का जो भ्रमण है वो आपकी राशि से 11वें स्थान में है। 11वें स्थान में मंगल एवं शुक्र का दोनों का साथ में भ्रमण आपके लिए बहुत शुभ है। मित्रों से लाभ होने वाला है और लव मैटर में सक्सेस मिलने वाली है। ग्रह मंडल के राजा ग्रह सूर्य ग्रह के तो हम बिल्कुल इग्नोर ही नहीं कर सकते हैं। तो सूर्य ग्रह का जो भ्रमण है वो आपकी राशि से 9वें स्थान में है यानी कि भाग्य स्थान में है, जो आपके लिए शुभ है, भाग्य में वृद्धि करने वाले हैं। और 12 फरवरी 2017 के बाद सूर्य चलेंगे 10वें स्थान में, जो भी आपके लिए बहुत शुभ है, बिजनेस में करियर में तरक्की करवाने वाले हैं, पिता से लाभ रहेगा और सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। बाकी और भी ग्रहों के प्रेडिक्शन के बारे में बात करते हैं। प्रेडिक्शन अभी जारी है। हम आपको ये बता दें कि ये चैनल आपने जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप नए नए वीडियो प्रेडिक्शन से माइंड का हो सके। यदि आपके कोई मित्र हैं वृषभ राशि वाले तो ये वीडियो आप उनको जरूर शेयर करें। फेसबुक, गूगल प्लस, व्हाट्सएप इत्यादि माध्यम से अपने मित्रों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। बात करेंगे प्रेडिक्शन में आगे बुध ग्रह के बारे में। तो बुध ग्रह का जो भ्रमण है वो आपकी राशि से 9वें स्थान में है और 10वें स्थान में है। इस मंथ के अंदर 3 तारीख से बुध का भ्रमण भाग्य स्थान में होता है, जो 22 तारीख तक है, जो भाग्य में वृद्धि करने वाले हैं, छोटी छोटी यात्राओं से लाभ रहेगा। और 22 फरवरी के बाद बुध 10वें स्थान में चलेंगे यानी कि कर्म स्थान के अंदर चलेंगे, जो भी आपके लिए बहुत शुभ है, बिजनेस में करियर में तरक्की करवाने वाले हैं। राहु केतु का भ्रमण 4थे एवं 10वें स्थान के अंदर हो रहा है। राहु 4थे स्थान में शुभ फल नहीं है, तो प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कोई भी कार्य कर रहे हैं तो सोच समझ के आगे बढ़ें। और केतु का भ्रमण 10वें स्थान में है, जिसके कारण खास करके यदि आप जॉब कर रहे हैं तो अपर लेवल से टेंशन कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, यदि आप मैरिड हैं तो अपने इन लॉज के साथ टेंशन ना हो जाए, और रिलेशनशिप में खास करके माता एवं पिता के साथ भी केयर करना होगा। और डेट सबको टेक केयर करना है इस मंथ के अंदर, वो इस प्रकार हैं 2, 3 और 4, जिसके अंदर चंद्र चलेंगे मेष राशि में। तो मेष के चंद्र राशि से 12वें स्थान के चंद्र बनते हैं। 12वें चंद्र में कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। और डेट सबको टेक केयर करना है 21, 22 और 23, जिसके अंदर चंद्र चलेंगे धनु राशि में। तो धनु के चंद्र राशि से अष्टम स्थान के चंद्र बनते हैं। अष्टम चंद्र में भी कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, पानी से सावधान रहें और व्हीकल ड्राइव में केयर करें। सब्सक्राइब करें चैनल और अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब करवाएं चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।